किसान की जो मर्जी है वो कर रहे हैं, पर सरकार सोच रही है उसको ना छेड़ना है ना जो होता है तो होने दो। ये नायक पिक्चर वाली हार हो रही है, बसें जलती है तो जलने दो, लोग मरते हैं तो मरने दो। अभी तो अपने अपने चुनाव में सब व्यस्त है, सारे रूट बंद पड़े हुए हैं, ये जितनी ट्रेनें हैं सारी रद्द है। में रुक गया था आगे। हरियाणा पंजाब बॉर्डर यानी शंभू बॉर्डर में किसान लंबे समय से डेरा लगाए बैठे हैं। किसानों की गिरफ्तारी और किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों से गुस्साए किसानों ने बीते दो दिन से शंभू में ट्रेनों को रोक दिया है। किसानों के इस रेल रोको आंदोलन का बड़ा असर पूरे नॉर्दर्न रेलवे पर पड़ता नजर आ रहा है। नॉर्दर्न रेलवे के टीआरएम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किसान आंदोलन के चलते 201 गाड़ियों के रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं, 139 गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है, 42 गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। रद्द की गई गाड़ियों का सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है। किसानों का रेल रोको आंदोलन लंबा चला तो एसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। अभी तक हम लोगों ने 201 गाड़ियों को डायवर्ट किया है, 139 गाड़ियों को कैंसिल किया है और उसमें से 42 गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ऑरिजिनेट किया है। जो गाड़ियां कैंसिल हुई हैं उसमें मेजॉरिटी पैसेंजर हैं, 88 करीब पैसेंजर गाड़ियों को कैंसिल किया गया है। ऑल्टरनेट रूट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अम्बाला से चंडीगढ़ होके, मोहाली होके, न्यू मोरिंडा होके अप टू लुधियाना वाया सानेवाल, या अम्बाला होके चंडीगढ़, चंडीगढ़ से न्यू मोरिंडा, न्यू मोरिंडा होके सरंद होके फिर अम्बाला फिर लुधियाना। सर इस तरह से अगर किसान बैठे रहे तो एसेंशियल गुड्स है उसको लेकर भी दिक्कत ऊपर वाली लाइन जम्मू कश्मीर में रहेगी। एसेंशियल कमोडिटीज़ को अभी तक तो हम लोग जो कोचिंग ट्रेन्स हैं या पैसेंजर ट्रेन हैं उनके साथ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आने वाले समय में ज़्यादा समय तक ये आंदोलन चलता है तो जो गुड्स की आपूर्ति है जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, सीमेंट है, खाद्यान्न है, इनकी आपूर्ति भी अफेक्ट होगी। फिलहाल किसानों ने और क्या कुछ ऐलान किया है, कोई जानकारी आई है सबसे? अभी तो ऐलान में यही है कि शंभू का जो इनका एजिटेशन है ये कंटिन्यू करेगा, फर्दर ये 22 तारीख को अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे एक खाप पंचायत में निर्णय लेने के बाद। सर अभी कह रहे थे कि पंचायत करके ये और अन्य स्टेशनों पर भी बैठेंगे, ऑनलाइन जाम करेंगे, इस तरह की कुछ? जहाँ तक अम्बाला डिवीजन की जुरिसडिक्शन का सवाल है अभी तक तो ऐसा अलर्ट नहीं है, बाकी 22 तारीख को इनका जो निर्णय होगा उससे फिर हम आपको अवगत कराएंगे। इस तरह की कोई वार्तालाप हुई है सर कि ताकि ये यहाँ से उठ सके और सुचारू रूप से ट्रेन चल सके? वार्तालाप इसमें पंजाब गवर्नमेंट के सीनियर अधिकारी वार्तालाप लगातार कर रहे हैं, इवन पुलिस अधिकारी वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव आउटकम हम लोगों को मिला नहीं। अभी तक रेलवे को कितने करोड़ों का घाटा जो है वो चुका है, कोई आकलन हुआ है? रेलवे का सिस्टम चूंकि पैन इंडिया है तो इमीडिएटली आकलन करना मुश्किल है, महीने के एंड में हम लोग इसको मूल्यांकन करेंगे कि कितना लॉस हुआ है फिर आप। वही किसानों के रेल रोको आंदोलन का असर रेल यात्रियों पर भी पड़ रहा है। यात्री अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें ट्रेन नहीं मिल पा रही। वहीं अमृतसर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पहले ही बंद है जिसके चलते यात्रियों की मुसीबत दोगुना हो गई है। यात्रियों का कहना है कि रेल और सड़क दोनों मार्ग प्रभावित है, ऐसे में वे जहां जाना चाहते हैं नहीं जा पा रहे हैं। जी लुधियाना से आया हूं अम्बाला किसी तरह बस से, बसें जो है आउट ऑफ रूट से आई हुई हैं, कच्ची रोड से आई है, बस में भी खचाखच सवारियां आदमी भरे हुए हैं, सारे रूट बंद पड़े हुए हैं, ये जितनी ट्रेनें हैं सारी रद्द हैं, लोगों का रिजर्वेशन रद्द हो गया, दूसरा कोई साधन नहीं मिल रहा है, या अम्बाला से भी लोकल ट्रेनें थी वो भी रद्द है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इतना जानते हैं किसान लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम किया है पर उन पर कोई पहल करने वाला है नहीं, इसके वजह से सारे लोगों को दिक्कतें आ रही है। हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करके यहाँ आए हैं, फिर भी ट्रेनें नहीं आ रही है, जो यहाँ से कम जो टाइम से थी वो भी बेटाइम से है, सब स्टेशन में पड़े हुए हैं। अभी तो अपने अपने चुनाव में सब व्यस्त है, किसान की जो मर्जी है वो कर रहे हैं, सरकार की कान में ये आवाज़ जा ही नहीं रही है, इसीलिए लोगों को दिक्कत हो रही है। उनसे बातें करती ना,
किसान को जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, पर सरकार सोच रही है उसको ना छेड़ना है ना जो होता है तो होने दो। ये नायक पिक्चर वाली हार हो रही है, बसें जलती है तो जलने दो, लोग मरते हैं तो मरने दो, यही हो रही है और क्या कहे। लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है, बच्चे औरतें सभी लोगों को परेशानी हो रही है, लोग स्टेशन पे पड़े हुए हैं दो दो दिन से तीन तीन दिन से, अपनी टिकट रद्द हो गई है, दूसरी टिकट की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, अपना रिजर्वेशन गया काम से, अपना रिजर्वेशन तो चला गया, दूसरा रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है, स्टेशन पे पड़े हुए हैं। सर मेरा नाम लक्की है जी, मैं पटियाले तो आया, साडे रिश्तेदार जी दिल्ली डेथ हो गई है जवान मुंडे की, दो तीन दिन तो ट्रेना मिल नहीं रही, इस करके बड़ी हिम्मत करके लेडीज तक घर छड के असी जेडे जेंट्स हाँ या बच्चे ने साडे नाल छोटे छोटे आए, अज उन्हों का भोग है काके साडे दा जेड़े जी डेथ हुई है, इतने स्टेशन ते आए हैं सानू कहिंदे 11 बज गए 10 बज गए 50 मिनट ते ट्रेन मिलेगी, टिकटा लै लिया असी, हुण तक वेट कर रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं घरों भी बाहरों भी, एन मौके ते आके कहिंदे भी ट्रेना रद्द करतीआं ने, असी बहुत दुखी हाँ। हुण इत्थे साडे माता जी आए हुए नाल टिकटा कैंसल करवाण गए ने, हुण देखदे हां इत्थों बसां राही जाने गे किस तरह कोई हिला करांगे, तुहानू पता भी खुशी दे कम ते तां रहा जांदा है, इस माड़े कम ते रहा नहीं जांदा, सानू जरूरी जाना पवेगा, बहुत परेशान हो रहे हैं महाराज जी, इहना गवर्नमेंट नूं चाहीदा भी इह ट्रेनां दा हल कोई कढ़न, बहुत जनता परेशान हो रही है। देखो सर असीं किसी नूं माड़ा नहीं कहिंदे, हर किसी नूं अपना अपना हक लैण दी मतलब आशा है, जे उह बैठे ने उहनां ने भी किसे कम करके बैठे ने, गवर्नमेंट नूं चाहीदा भी उहनां दी भी मंगां पूरियां करनियां चाहीदियां ने, जनता भी परेशान ना होवे, इहनां नूं भी देखणा चाहीदा, सरकार नूं कोई ना कोई हल कढ़णा चाहीदा, आपां किसे नूं माड़ा नहीं कहिंदे, वह भी अपना हक लैण वास्ते बैठे हुए ने, वह अपनी जगह पर ठीक ने, जनता परेशान हो रही है, देखो स्टेशन सारे भरे हुए ने, छोटे छोटे बच्चे गर्मी च परेशान हो रहे ने, इन्हां नूं जरूर चाहिए कुछ ना कुछ हल कढ़ना, असी सरकार अगे बेनती करते हैं भी जेडे माड़े समय से जो असी जिदा फसे पे हैं, साढ़े वर्गे होर भी कई इंसान फसे हुए ने, साढ़े तो भी ज़्यादा परेशान ने, उन्हां वल ध्यान दिता जाए गवर्नमेंट। अब आप देखो अपने आसपास की हर खबर अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल या एंड्रॉइड फोन के प्ले स्टोर से आज ही हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें। अगर आप भी हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो भेज सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315348468।